नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे का दूसरा दिन आज स्वर्वेद मंदिर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी और पूर्वांचल को 19,155 करोड़ रुपए की सौगात। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। तो वाराणसी दौरे का दूसरा दिन है पीएम का, जहां पूर्वांचल को 19,155 करोड़ रुपए की सौगात जो है पीएम दे रहे हैं, और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी के दौरे का यह दूसरा दिन है, जहां वाराणसी में लगातार दूसरे दिन दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास चौबे जुड़ गए हैं। विकास, आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री का? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं जूही कि कार्यक्रम जो है आज पीएम मोदी का ऐसा है कि वो 10 बजे के आसपास निकलेंगे बरेका से गेस्ट हाउस से और सीधा चले जाएंगे सर्वेद मंदिर। सर्वेद मंदिर जो है विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर माना जा रहा है, जिसका उद्घाटन करेंगे आज पीएम, और उसके बाद वो जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां पर बरकी में बड़ी जनसभा आयोजित की है, जहां पर पीएम मोदी 19,156 करोड़ की जो लोक परियोजना है उनका लोकार्पण और शिलान्यास करेगा। उसी के बहाने एक बड़े जनसभा को संबोधित करने का, एक बड़े जनसभा को टारगेट करने का जो पूरा प्रयास रहेगा वो रहेगा मंच से। और आपको बता दें कि ये पूरा जो जनसभा हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि जनसभा में 20,000 से ऊपर की तादाद में लोग जो है शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ पीएम जो है उसके बाद सभी चीजों की समीक्षा करेंगे, और कहीं ना कहीं ये पूरा जनसभा संबोधित करने के बाद पीएम काशी की गलियों में घूमेंगे और ठीक बाद वापस बाबतपुर रवाना हो जाएंगे। लेकिन ये पूरा जो दौरा है पीएम का दो दिन से ऊपर का, यानी कि 25 घंटे से ऊपर पीएम जो है वाराणसी में रहने वाले थे, और आज जो है वो दौरे का दूसरा दिन है जब पीएम कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिसका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सबसे पहले वो सर्वेद मंदिर जाएंगे। आपको बता दें कि 20 साल समय लगा है सर्वेद मंदिर को बनने में, और टोटल 100 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ सर्वेद मंदिर जो है पूरे विश्व का सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर में से माना जा रहा है, जिसका आज लोकार्पण पीएम मोदी करेंगे, यानी कि जनता को समर्पित कर देंगे। इसके ठीक बाद वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और सब जो है पूरा मेडिटेशन सेंटर को निहारेंगे, वहां लोगों से मुलाकात करेंगे, और साथ ही साथ जो है जो श्रद्धालु होते हैं, चाहे बात की जाए पुजारियों की बात की जाए, महंतों की बात की जाए, क्योंकि काशी देखिए भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, और यहाँ पर यहाँ के कणकण में जो है शंकर का वास है, और ऐसे में लोगों से मुलाकात करना और श्रद्धालु से मुलाकात करना, जो पुजारी होते हैं उनसे मुलाकात करेंगे। फिर ठीक बात जो है बरकी में, जहां पर एक बड़ी जनसभा की गई है वहां जाएंगे, और सबसे बड़ा प्रयास होगा इस बार की कैसे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो कोर वोटर्स है भाजपा का उसको पढ़ के रखे, साथ ही साथ जो पूर्वांचल का एक बड़ा वोट बैंक जिसमें 16 लोकसभा सीटें आती हैं उनको साथ पाए, क्योंकि 19,156 करोड़ की जो लोक परियोजना है उसमें सिर्फ वाराणसी ही नहीं जबकि आसपास के जिले जैसे गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही और आसपास के जो और अन्य जिले हैं पूर्वांचल के वो भी शामिल हैं, और इनकी भी परियोजना उसमें है, जिसमें की 19,155 करोड़ की जो परियोजना है इनके लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। आपको बता दें कि 5 साल के अंदर जो है 2 वंदे भारत ट्रेन पीएम के कार्यकाल में चलाई गई है, जिसका आज दूसरा ट्रेन है जो कि पीएम मोदी को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से दिल्ली के लिए रवाना कर देंगे। जी, पीएम मोदी जिस मंदिर का आज उद्घाटन करने वाले हैं इसमें क्या खास है, और लोगों में जो है इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए ये मंदिर जो है 20 साल में बनकर तैयार हो रहा है, और इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पर जो भी इलाज होगा वो आयुर्वेद और जो है जो एलोपैथी की चिकित्सा प्रणाली है उसके अनुसार होगा। साथ ही साथ ये एक ऐसा मेडिटेशन सेंटर है जो कि एशिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कहा जा रहा है। ये 7 मंजिला इमारत है जिसको 100 करोड़ की लागत से 20 साल का समय लगकर ये पूरा मंदिर तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन जो है पीएम मोदी करेंगे, और ये अस्पताल का रूप भी है। इसमें जो है प्रतिमा स्थापित होगी, 100 फीट की ऊंची प्रतिमा जो है वो स्थापित होगी इस पूरे मंदिर परिसर में, और यहाँ पर आपको जो है जो सभी चीजों की जो इलाज होती है, चाहे वो कैंसर की बात की जाए, चाहे हड्डियों संबंधित रोग की बात की जाए, तो सभी रोगों का इलाज जो है यहाँ पर समुचित व्यवस्था में आपको मिल पाएगा। और निश्चित तौर पर ये जो मंदिर है वो चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई क्रांति सिद्ध होने वाला है वाराणसी में, जिसका उद्घाटन किए मोदी आज करेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए। और प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है, शाहिदगाह के सर्वेक्षण पर सुनवाई होगी, एडवोकेट कमिश्नर का प्रारूप किया जाएगा तय, सर्वे का तरीका भी आज हाईकोर्ट करेगा तय। शाहिदगाह के सर्वेक्षण पर
सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। एडवोकेट कमिश्नर के प्रारूप जो है तय किए जाएंगे। तो प्रयागराज से आपके साथ खबर साझा कर रहे हैं, एडवोकेट कमिश्नर के प्रारूप तय किए जाएंगे और शाहिद गाह के सर्वेक्षण पर जो है सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शोएब रिजवी जुड़ गए हैं। शोएब, कितने बजे से सुनवाई होनी है? देखिए, इस मामले में फिलहाल 2 बजे के बाद इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। हालांकि पिछली सुनवाई में जो एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की बात थी उस पर कोर्ट ने साफ कर दिया था। अब फिलहाल आज की सुनवाई में ये उम्मीद की जा रही है कि इस किस तरह से ये सर्वे होगा, इसका प्रारूप क्या होगा, कितने एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे, इस पूरी प्रक्रिया को कितने दिन में या कैसे किया जाएगा, इन तमाम चीजों पर आज कोर्ट का रुख साफ हो जाएगा और उसके बाद ये रास्ता साफ हो जाएगा। फिलहाल अभी इसका इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर है कि पिछली तारीख को जो हिंदू पक्ष की तरफ से डिमांड की गई थी एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने की और इस पूरे मामले की सर्वे कराने की, उसको कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया था। लेकिन अब आज इस पूरे मामले पर जब सुनवाई होगी तो ये स्थितियां साफ हो जाएंगी कि कितनी टीम में कितने सदस्य होंगे, कौन लोग होंगे, किस तरह से ये पूरा काम चलेगा और कितना समय लगेगा, इन तमाम चीजों का जो एक प्रारूप है वो तय हो जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई। जी शोएब, सर्वे को लेकर एडवोकेट कमिश्नर की पहले ही कोर्ट ने अनुमति दे दी है और आज एडवोकेट कमिश्नर का प्रारूप जो है वो तय किया जाना है। क्या लगता है शोएब, क्या कुछ प्रारूप तय किया जा सकता है? देखिए, फिलहाल जो अभी जानकारी है कि जो एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त होंगे उनके नाम साफ हो जाएंगे, उसके अलावा उनके साथ उनके सहयोग में कितने लोग होंगे, किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को कितने समय या कितने दिन में करना है, क्या कुछ सावधानी बरतनी होगी या कब हाईकोर्ट में फिर इस पूरे मामले की जो सर्वे करने के बाद रिपोर्ट होगी वो पेश करनी होगी, इन तमाम चीजों पर कोर्ट का जो डायरेक्शन है वो आएगा और उसके बाद ये तय हो जाएगा। फिलहाल बस जब इस पूरे मामले में सुनवाई। जी शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात जो है जाने गुजरात दौरे पर थे, जहां उन्होंने डायमंड सिटी सूरत से में जो है बड़ी सौगात दी है और इस दौरान उन्होंने वहां जाकर निरीक्षण भी किया। टर्मिनल बिल्डिंग और दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी जो है ये टर्मिनल बिल्डिंग का उन्होंने उद्घाटन किया है। बड़ा ऑफिस है जिसका पूरा जायजा लिया है। पीएम इस दौरान तमाम अधिकारियों के साथ नजर आए। आज सूरत शहर की भव्यता में एक और डायमंड जुड़ गया है और डायमंड भी छोटा मोटा नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। इस डायमंड की चमक के आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी इमारतों की चमक फीकी पड़ रही है। साथियों, आज सूरत के लोगों को, यहां के व्यापारियों कारोबारियों को दो और उपहार मिल रहे हैं। आज ही सूरत एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण हुआ है और दूसरा बड़ा काम यह हुआ है कि अब सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया है। सूरतियों की बरसों पुरानी मांग आज पूरी हुई है। परिवारजनों, सूरत शहर के साथ मेरा जो आत्मीय लगाव है उसको शब्दों में बयां करने की जरूरत नहीं है, आप लोग भली भांति जानते हैं। सूरत ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और सूरत ने सिखाया है कि जब सबका प्रयास होता है तो हम कैसे बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। सूरत की मिट्टी में ही कुछ बात है
जो इसे सबसे अलग बनाती है और सूरतियों का सामर्थ्य उसका मुकाबला मिलना मुश्किल होता है कि सूरत संकट से तो उभरेगा ही, नए सामर्थ्य के साथ दुनिया में अपना स्थान भी बनाएगा। और आज देखिए, आज ये शहर दुनिया के सबसे तेजी से आगे बढ़ते टॉप 10 शहरों में है। साथियों, आजकल आप सभी मोदी की गारंटी की चर्चा खूब सुनते होंगे। हाल के दिनों में जो चुनाव नतीजे आए उसके बाद ये चर्चा और बढ़ गई है, लेकिन सूरत के लोग तो मोदी की गारंटी को बहुत पहले से जानते हैं। यहां के परिश्रमी लोगों ने मोदी की गारंटी को सच्चाई में बदलते देखा है। सूरत ने गुजरात को, देश को बहुत कुछ दिया है, लेकिन सूरत में इससे भी कहीं अधिक सामर्थ्य है। मेरे हिसाब से तो शुरुआत है, हमें और आगे बढ़ना है। आप सभी जानते हैं कि बीते 10 वर्षों में भारत 10वें नंबर की आर्थिक ताकत से ऊपर उठकर दुनिया में 5वें नंबर की आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। और अब मोदी ने देश को गारंटी दी है कि अपनी तीसरी पारी में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जरूर शामिल होगा। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पीएसी स्थापना दिवस 2023 के अवसर पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संसद हमले का एक किस्सा बताया। आइए सुनते हैं सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश पीएसी का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। December 17, 1947 को मिलिट्री पुलिस का नाम बदल करके पीएसी किया गया और उस समय यूनाइटेड प्रोविंस प्रोविजनल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी एक्ट 1948 के तहत इसका विधिवत गठन हुआ। वर्तमान में उत्तर प्रदेश पीएसी के लगभग 40,000 कार्मिक उत्तर प्रदेश के अंदर अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा और पूरी तत्परता से निर्वहन करते हुए राज्य के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। किसी भी बल की छवि उस बल के जवानों के शौर्य और पराक्रम से ही उनकी कीर्ति निर्मित होती है। और उत्तर प्रदेश पीएसी का इतिहास इस दृष्टि से सदैव स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। हम सब जानते हैं, जब देश की संसद में हमला हुआ था सन 2001 में, उस समय उत्तर प्रदेश पीएसी के जवानों के इस पराक्रम के कारण उस हमले को निष्फल करने में सफलता प्राप्त हुई थी। पीएसी बल का अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्रों SLR एवं इंसास राइफल, तातंगा निरोधी उपकरणों यथा मल्टी सेल लॉन्चर, एंटी राइड गन व टियर गैस गन से सुसज्जित भी प्रदेश के अंदर किया गया। दंगा निरोधक उपकरणों
और बाढ़ राहत कंपनियों के लिए ये आवश्यक उपकरण खरीदे गए। पीएसी जवानों की दैनिक उपयोग को उपभोग का भी उनकी गुणवत्ता युक्त सामान और वस्तुएं बाजार मूल्य से कम दाम पर उपलब्ध कराने के लिए 13 मास्टर कैंटीन और पीएसी वाहनी यानी जनपदीय पुलिस लाइन में कुल 102 सब्सिडियरी कैंटीन भी वर्तमान में संचालित है। पुलिस कल्याण योजना के अंतर्गत जवानों के बच्चों को न्यूनतम शिक्षण शुल्क पर उत्तम शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 31 पुलिस मॉडर्न स्कूल स्थापित हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की इनकी परीक्षा परिणाम 90% से अधिक देखने को प्राप्त हुए हैं। प्रदेश में महिलाओं को भी बल में स्थान प्राप्त हो, प्रदेश ने पीएसी की 3 महिला बटालियन लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में वीरांगना उदा देवी, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना अवंती बाई के नाम पर स्वीकृति दी है और इनमें कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। पहली बार कुशल खिलाड़ियों को भी उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया गया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2% कुशल खिलाड़ियों की भर्ती, जिनमें 500 से अधिक खिलाड़ियों की भर्ती अब तक संपन्न हो चुकी है, वह उनमें से कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन अभी कुछ देर पूर्व हम लोगों ने यहां पर देखा भी है। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के 6ठे समन के बाद भी पेश ना होने के बाद अब ईडी विकल्पों पर विचार कर रही है, जिसके बाद माना जा रहा है कि सीएम हेमंत को वारंट से लेकर गिरफ्तारी पर भी प्लान ऑफ एक्शन जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या हेमंत सोरेन की बढ़ने वाली है मुश्किलें? क्या ईडी लेगी अब हेमंत सोरेन पर बड़ा एक्शन? छह बार सम्मन को ठुकराने के बाद अब कानून का चलेगा हंटर। क्या झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है? साल 1993 में एक फिल्म आई थी, नाम था दामिनी। लीड रोल में थे ऋषि कपूर और सनी देओल। ये फिल्म जितनी सुपर डुपर हिट हुई, उतना ही इस फिल्म के एक डायलॉग ने सुर्खियां बटोरी, जो सनी देओल पर फिल्माया गया था। दरअसल फिल्म में कोर्ट रूम में सुनवाई के बार बार मिलती तारीखों से सनी देओल चिढ़ जाते हैं और फिर कहते हैं, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती रही, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मैं लॉर्ड। तारीख तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मैं लॉर्ड। इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख। दामिनी फिल्म का ये डायलॉग झारखंड की सत्ता पे काबिज हेमंत सोरेन पर बाखूबी फिट बैठ रहा है। सीएम साहब को लगातार ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है, तारीख देती है, तलब करती है, लेकिन मिलती है तारीख पर तारीख। मगर सीएम साहब हैं कि पेश नहीं होते। 6 बार नोटिस देकर तलब करने के बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ऐसे में सवाल ये कि अब क्या ईडी कोई बड़ा एक्शन लेने जा रही है? कानून क्या कहता है? ईडी के सामने कानूनी विकल्प क्या बचते हैं? क्या वाकई में बार बार ईडी के सम्मन को ठुकरा कर कानून तोड़ने के लिए सीएम साहब आमादा क्यों हैं? क्या कानून इस बात की तस्दीक भी करता है
कि सीएम साहब की गिरफ्तारी भी हो सकती है। देश के तमाम वकील इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं वो आगे आपको बताएंगे, मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि देश में हुए कथित जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने कब कब सीएम साहब को सम्मन जारी किया। 8 अगस्त 2023 को सीएम साहब को पहला नोटिस मिला, 14 अगस्त को उन्हें तलब किया गया था लेकिन मुख्यमंत्री नहीं आए। फिर ईडी ने 19 अगस्त 2023 को दूसरा नोटिस भेजा और 24 अगस्त को पेश होने के लिए कहा, लेकिन इस बार भी सीएम साहब ईडी के हाथ नहीं आए। ईडी ने 1 सितंबर 2023 को तीसरा सम्मन जारी किया और 9 सितंबर को उन्हें आने के लिए कहा, लेकिन फिर भी वही हुआ जो होता आया, सीएम साहब इस बार भी नहीं पहुंचे। इसके बाद अगली तारीख पड़ी 9 सितंबर, ईडी ने नोटिस जारी करते हुए 17 सितंबर को तलब किया, लेकिन फिर से वही हुआ, सीएम साहब नहीं आए। पांचवा नोटिस 26 सितंबर को जारी हुआ और 4 अक्टूबर को सीएम साहब को पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन सीएम साहब नहीं पेश हुए। इसके बाद ईडी ने 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री को छठा नोटिस भेजा और 12 दिसंबर को गुजारिश की तलब होने की, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा वो नहीं जाएंगे, जरूरी काम है। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ईडी के सामने हाजिर होने पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंचे, लेकिन हर जगह उनको निराशा ही हाथ लगी। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी ने उनको ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा, बावजूद इसके वो सम्मन जारी होने पर पेश नहीं हुए। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ईडी इस मामले में क्या कुछ कदम उठा सकती है। कानून के जानकारों की माने तो ईडी के पास ये अधिकार है कि वो इस मामले में अब सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट का वारंट ले आए। ईडी की तरफ से कोर्ट ने सीएम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जा सकता है। सुनिए क्या कहना है देश के जाने माने वकीलों का। देखिए, ये छठवां ऐसा मौका है जबकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हेमंत सोरेन जी के अगेंस्ट समन्स इशू किए हैं। पिछले 5 मौकों पर हेमंत सोरेन जी ईडी के सामने, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने अपीयर होने में फेल हो गए और उनकी अपील्स भी जो थी इन समन्स के अगेंस्ट वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी हैं। तो इन परिस्थितियों में देखिए, एक ईडी के सामने ऑप्शन खुला हुआ है कि वो अरेस्ट की तरफ जा सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन ये इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि उनको समन्स किस सेक्शन में इशू किए गए हैं। एक ऑप्शन ये भी है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर खुद भी हेमंत सोरेन जी के ऑफिस या रेजिडेंस में जाकर उनसे पूछताछ कर सकते हैं, और एक ऑप्शन ये भी खुला है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास कि वो कोर्ट्स के थ्रू नॉन बेलेबल वारंट्स इशू करा सकते हैं, और उस कंडीशन में अगर हेमंत सोरेन जी उस पर कंप्लाई करने में फेल होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी एक तरीके से लीगली वैलिड हो जाएगी। बहरहाल ईडी इस मामले में आगे क्या कुछ कदम उठाती है ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि जितनी बार सीएम ने ईडी के नोटिस का उल्लंघन किया उससे उनकी मुश्किलें अब कानूनी लिहाज से बढ़ना लगभग तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही, खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।